हैव टू डिस्कस हियर। तो आज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस जावा सर्वलेट इज जस्ट लाइक द नॉर्मल कोर जावा क्लास जावा सर्वलेट व्हेन योर इट इज एग्जीक्यूट इट क्रिएट ए ऑब्जेक्ट when it is automatically created object it is initialize the value then after the value is initialized then in core java there is a concept is called destructor the destructor is come which is free the memory of the object the same thing is happen in java servlet in java servlet first your servlet is initialized then the it is called the init method init method which is working as a java servlet then first it is load the class when the servlet is execute first it is loading the class when it is loading the class it create a servlet instance means it is create a servlet object then it is called the init method which is called as the constructor means which is initialize all parameter value and it called the service method you can say like do get do post method is called as the service method then at last it is called the destroy method it is the servlet life cycle so right what is servlet life cycle Gibson heading servlet life cycle first it load the servlet class first it load the servlet class next point create a servlet instance create a servlet instance then call the service method then next is call the destroy method सर कौन डकले पे आउटपुट होंगे लास्ट आउट से कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड तो स्ट्रक्चर वाइज यू हैव टू पास दिस वे आईएनआईटी सर्वलेट कॉन्फिग ज्वाइन कर देखो इधर आईएनआईटी सर्विस मेथड देन फर्स्ट आईएनआईटी सर्वलेट कॉन्फिग देन सर्विस मेथड देन डिस्ट्रॉय मेथड
तीनों लिखो जो स्ट्रक्चर में है ना वो लिखो। उधर INIT इन ब्रैकेट सर्वलेट कॉन्फिग देन इन सर्विस पास रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देन डिस्ट्रॉय। देन सी दैट हाउ यू हैव टू पास द सर्वलेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। जो मैं बोल रहा हूँ सर्वलेट जो इनिशियलाइजेशन सर्वलेट जब लोड होगा उसका इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कहाँ पर डिफाइन करोगे। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कहाँ पर चाहिए आपका जो फॉर्म है उसमें चाहिए। तो जो फॉर्म का जो सर्वलेट हम डिफाइन करेंगे उसका सर्वलेट में वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में ये सर्वलेट फाइल प्रेजेंट रहेगा। देखो जो हम जब सर्वलेट ऐड कर रहे थे वहां पर एक चेकबॉक्स में हम क्लिक कर रहे थे ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ओके सो बाय बाय टुमारो यू डू ऑल द प्रैक्टिकल ओके और सेंड मी एवरीवन। ओके सो बाय क्लिकिंग ऑन द वेब अप्लाई इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर तो ऑल द इंफॉर्मेशन इज एडेड इन द सर्वलेट। सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज एडेड इन द सर्वलेट। नेक्स्ट इन द सर्वलेट इन द एड लिंक फॉर्म सर्वलेट यू हैव टू पास आफ्टर सर्वलेट क्लास। ओके जो आपका सर्वलेट क्लास होगा सर्वलेट क्लास के अंदर यहाँ पर INIT फॉर्म ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो एंगुलर ब्रैकेट में जैसे HTML में हम पास कर रहे थे वहां पर INIT फॉरम देन INIT फॉरम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पैरामीटर का नाम क्या हो गया सीजिन लिस्ट। पैरामीटर का नाम हो गया सीजिन लिस्ट और पैरामीटर में क्या क्या वैल्यू है ना स्प्रिंग समर ऑटम विंटर। तो ये चार वैल्यू है स्प्रिंग समर ऑटम विंटर ये चारों वैल्यू हम रिट्राइव करेंगे। तो इट इज ए सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन। इसको एलाबोरेटली मैं डिस्कस करता हूँ। तो जो भी सर्वलेट आप ऐड करोगे so any servlet that you are adding automatic when you use add information to deployment descriptor your servlet information is added in the web.xml file। web.xml file kya hai isko bola jata hai deployment descriptor file। servlet ka sara information deployment descriptor mein store hota hai। jab aap file ko deploy karoge तो पूरा सोर्स कोड को लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में जाएंगे उसको लोड करेंगे। देखो ये जो INIT पैरामीटर में मैं जो वैल्यू पास करता हूं स्प्रिंग समर ऑटम विंटर ये वैल्यू कहां पर डिस्प्ले होगा। देखो स्प्रिंग समर ये हमारा डिजाइन में है ये हम पास कर रहे हैं। ओके तो देखो यूजर सेंट्रिक सीजन नेम कस्टमाइज सीजन नेम मतलब अगर हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो
तो आप डिजाइनिंग में जो वैल्यू दिए होंगे तो वही वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन अगर हम आईएनआईटी पैरामीटर डिफाइन करेंगे तो ये जो सीजन में स्प्रिंग समर ऑटम विंटर ये जो चारों पैरामीटर है जो हम यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ये जो स्प्रिंग समर ऑटम विंटर ये रिट्राइव होगा। ये है आपका कस्टमाइज सीजन नेम, मतलब आपका जो सर्वलेट जब लोड होगा वो जो इसको जो पैरामीटर चाहिए यहाँ पर ये लोड हो जाएगा, स्प्रिंग समर ऑटम विंटर। देखो ये हो गया आपका सर्वलेट का क्लास, सर्वलेट, सर्वलेट नेम, सर्वलेट का नाम हो गया आर लीग फॉर्म। ओके, तो इसके अंदर ही हम आईएनआईटी पैरामीटर डिफाइन करेंगे, आईएनआईटी फॉर्म, पैरामीटर नेम सीजन लिस्ट, पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू हो गया स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर। ओके, देन पैरामीटर एंड हुआ, ये हुआ हो गया आपका सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। एनी डाउट अंकिता? तुम दियो पता नो सर बुझिएला अच्छा अभी क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पर तो हम पैरामीटर डिफाइन कर दिए, ये पैरामीटर को हम कैसे रिट्राइव करेंगे? पैरामीटर को रिट्राइव करने के लिए गेट आईएनआईटी पैरामीटर ये यूज किया जाता है। गेट आईएनआईटी पैरामीटर इज यूज, हेलो अनल जी, हेलो सर जी ऑनलाइन क्लास कर छी ए हां हम एक्सेप्ट करते तुमने उसकी सर क्लास आरंभ हो यही के पर जन हां हां यही चीज है, तुम्हें रिक्वेस्ट पठाइछो से रही है जे एबे देखो ही गला। अच्छा अच्छा ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। ओके, तो ये जो पैरामीटर मैंने डिफाइन किया, ये पैरामीटर को रिट्राइव करने के लिए गेट आईएनआईटी पैरामीटर नेम यूज किया जाता है, गेट पैरामीटर नेम यूज किया जाता है इधर। तो नाउ पहला लाइफ साइकिल में हम पढ़ेंगे लोड द सर्वलेट क्लास, हेडिंग दो सर्वलेट लाइफ साइकिल, पहला ऑप्शन रहेगा डिसाइड कर छी सर्वलेट क्लास लोडिंग आउ जत बेले लैंडी ऑफर लेटर आसीबो लैंडी जॉइन कर छी से माने अपलोड कर छी gives an heading servlet class loading, दूसरा heading है point है नहीं, servlet life cycle का पहला point है, पहला point में मैं description बोल रहा हूँ। the first step the first step in the creation of servlet component is to load the servlet.
is to load the servlet class file into the web container. Next point, the classes for web application. The classes for a web application must exist in well-defined location within the web application. The next is next point, one instance for servlet definition. One instance for servlet definition. After the servlet class has been loaded, it a heading the one instance for servlet definition. It is a heading. After the servlet class has been loaded into JVM,
the next step is create an instance of that class. The servlet specification declares that one and only one servlet instance will be created. Means at a time only one object will be created or instance will be created. One and only one servlet instance will be created for a single servlet definition. Singlet servlet definition in the deployment descriptor. When you are creating a servlet, request to a given servlet definition will be handled. When developing a servlet, request to a given servlet definition will all be handled concurrently by the same servlet instance. Okay,
then comes to INIT life cycle. INIT life cycle. After the servlet instance is created, after the servlet instance is created, there is another life cycle method. INIT life cycle method. After the servlet instance is created, the web container create a unique servlet config object that contains any initialization parameter that were specified in the deployment descriptor. Okay, so in the deployment descriptor, you pass this initialization parameter. Deployment descriptor means web.xml. It is the third part of servlet lifecycle. INIT method, like we are using INIT param. Okay, so in that param, we pass the servlet initialization parameter. Then next is Gibson heading service lifecycle method. Okay, so what is that service lifecycle method? After it is initialized the value. ओके तो आपका वैल्यू इनिशियलाइजेशन होने के बाद वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा सर्विस मेथड पर. आपका सर्विस मेथड क्या है? जैसे कि डू गेट और डू पोस्ट है, वो एक सर्विस मेथड है. सर्विस मेथड में वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगा. तो आफ्टर द सर्वलेट कंपोनेंट हैज बीन इनिशियलाइज, द वेब कंटेनर कैन बिगिन सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू दैट कंपोनेंट यूजिंग सर्विस मेथड. तो सर्विस, सो आफ्टर योर वैल्यू इज इनिशियलाइज, दैट वैल्यू इज ट्राइव through the service method in each HTTP request mapped to the given servlet. The web container will issue a unique request and response object for the service method. So when you are giving a request, like you are giving your ID and password, main mera ID aur password de raha hu, to wo single request hoga jo ki sirf mera hi response aur mera hi page wo open karega. So at a time it is not open the multiple page. मतलब मैं मेरा आईडी पासवर्ड देकर सभी का आईडी में ओपन नहीं कर सकता हूं. फॉर ए सिंगल रिक्वेस्ट इट गिव्स यू द सिंगल रिस्पॉन्स. सो राइट, आफ्टर द सर्वलेट कंपोनेंट हैज बीन इनिशियलाइज, आफ्टर द सर्वलेट कंपोनेंट हैज बीन इनिशियलाइज, the web container can begin sending request
to their component using the service method. The next point is destroy lifecycle. Like in core Java, we are using destructor concept. Destructor is the last part of a class. Means after all the classes is loaded, after the class is initialized, and after all your work is over, then the garbage collection has come, which is destroy the unneeded object. So similarly, when your servlet work is over, then you have to release the servlet memory by using destroy lifecycle. So right, when a web application is being shut down, the web container will call the destroy method. Sir, the web container will call the destroy method. On every servlet, that has been initialized. Then next API is called as the servlet config API. The servlet config API is what? Now this servlet API is related to the servlet config interface. This interface provide a method that is called as the get init parameter for retrieve the runtime value. We're using servlet config interface. Okay, by using servlet config interface,
we retrieve the init parameter which lets you retrieve the servlet initialization parameter. For retrieve the servlet initialization parameter, another interface we are using, that is called as the servlet config interface. Now runtime, in runtime अगर आपको पैरामीटर जो सर्वलेट का जो पैरामीटर है जो आप वेब डॉट एक्सएमएल में आप डिफाइन किए हो उसको रिट्राइव करने के लिए हम गेट आईनेट पैरामीटर यूज करेंगे. सो the generic servlet class can also implement the servlet config interface. Generic means which is converted to all the type, means it will accept all the value, that is called the generic method. And here also for retrieve the value we are using get init parameter. Okay, so in the next class I will go with the servlet config parameter. Okay, then I will show the program repopulation and program. It is another phase of the program. So ensure that in the program that I have completely sent you in the WhatsApp, do it properly, and by tomorrow you have to complete it, because we have to move the another part of this program. That part is over, then another part of that project is has started. I will show you. So before I going to that part, ensure that the program that I have given, it is completed. And you have to send me, you have to take a create a video and send me in the WhatsApp, or after creating all the program then take the photo and send me. Okay, and in between if you face any doubt then call me. Okay, okay sir.